स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एनुअल पोर्शन में चैप्टर 10 क्रिया को आज हम रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपनी बुक खोल के बैठें और अपना वर्क अच्छे से समझें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया, क्रिया क्या होती है बेटा? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, किसी काम को जब हम करते हैं तो काम का करना, जब हम कोई काम करते हैं जैसे पढ़ना, खेलना, हंसना, तो वो खाना, वो सभी हमारा क्या होता है? क्रिया होती है, ठीक है? तो निम्नलिखित वाक्यों में को पढ़िए और समझिए। भोजन, मोहन भोजन कर रहा है, माताजी खाना पका रही हैं, सोनू विद्यालय जा रहा है, मोहित सो रहा है, राजन हंस रहा है, आलोक गीत गा रहा है, रमा पत्र लिख रही है। तो ये जो ऊपर दिए गए वाक्यों में ये सभी क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? भोजन कर रहा है, पका रही है, जा रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है या लिख रहा है। तो इन शब्दों से कार्य के होने का हमें पता चलता है कि क्या काम हमारा हो रहा है। इसकी डेफिनेशन है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन एक बार और रिपीट करते हैं, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है इसकी। अब पढ़ते हैं क्रिया का निर्माण, कि क्रिया का निर्माण किन शब्दों से होता है। तो क्रिया का निर्माण मुख्यतः तीन रूप प्रकार के शब्दों से किया जाता है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। नंबर वन है धातु से। धातु से क्रिया का निर्माण करने से पहले धातु के बारे में जानना आवश्यक है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख और खा, ये सब आदि क्या होते हैं? हमारे मूल धातु होते हैं। जब इन मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे मूल रूप है हमारा गा, उड़, पढ़, लिख, अब इसका सामान्य रूप इसमें हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गाना, उड़ना, पढ़ना, लिखना। सेकंड है संज्ञा। संज्ञा शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे संज्ञा है घट और इसकी क्रिया है घटना। संज्ञा है हाथ और क्रिया है हथियाना। संज्ञा है अकड़ तो क्रिया है इसकी अकड़ना। नंबर थ्री है विशेषण से। विशेषण शब्दों के द्वारा भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे विशेषण भिन्न भिनाना, विशेषण का भिन्न भिन्न तो क्रिया है इसका भिन्न भिनाना। विशेषण है गर्म तो क्रिया हुआ गर्माना। विशेषण है टिमटिम तो क्रिया है टिमटिमाना। अब इसके क्रिया के रूप, क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ ए प्लस कर्मक इक्वल रहित प्लस कर्म के, अर्थात वह क्रिया जो कर्म रहित यानी कि कर्म के बिना हो अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म के बिना होता है जो। जैसे मुन्ना सो रहा है, राधा दौड़ रही है। इन वाक्यों में सोना तथा दौड़ना अकर्मक क्रियाएं हैं। सेकंड है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है स प्लस कर्मक इज इक्वल टू सहित प्लस कर्म के, अर्थात वह क्रिया जो कर्म सहित कर्म के साथ हो। सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कि जो क्रिया हम कर्म के साथ करते हैं। इन क्रियाओं के साथ क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म कहलाता है। यानी कि जो हम सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया में अगर हम क्वेश्चन लगाएं क्या या किसे, तो हमें जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है, वो सकर्मक होगा या अकर्मक होगा।
जैसे सब्जी वाला सब्जियां बेच रहा है, मोहन अपने खेत को जोत रहा है, लड़का आम तोड़ रहा है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, राधिका स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे कर्म ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नोत्तरों को समझिए। तो इसमें प्रश्न हम करेंगे, हम ये ज्ञात करेंगे कि इसमें कौन सा कर्म है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो सब्जी वाला क्या बेच रहा है, तो क्या बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, ये हमारा कर्म हुआ। मोहन किसको जोत रहा है, खेत को जोत रहा है, ये भी हमारा कर्म हुआ। लड़का क्या तोड़ रहा है, आम तोड़ रहा है। अध्यापक किसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राधा कहाँ जा रही है, तो राधा स्कूल जा रही है। तो ये सभी हमारा क्या हुआ, कर्म हुए। तो जब हम किसी में क्या लगाएंगे और हमें आंसर मिलता है, तो ये क्या हुआ, हमारा सकर्मक क्रिया हुई है। और जैसे ये वाले सेंटेंस हैं हमारे पीछे दिए गए हैं जो अकर्मक क्रिया के, कि मुन्ना सो रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे, मुन्ना क्या सो रहा है, तो इसका हमें कोई आंसर मिल रहा है कि मुन्ना क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। राधा क्या दौड़ रही है, ये राधा किसे दौड़ रही है, तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है इसका। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले हमारे एग्जांपल है, सब्जी वाला सब्जियां बेच रहा है, तो इसमें पूछेंगे हम सब्जी वाला क्या बेच रहा है, तो सब्जी बेच रहा है, हमें आंसर मिला इसका। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे आपको भी पीछे समझाया गया है, इसमें कर्म के रहित यानी कि हमें आंसर मिल रहा है तो ये कर्म के बिना है, अकर्मक है, और जिसमें हमें आंसर मिल रहा है तो ये कर्म के साथ है यानी कि ये सकर्मक है। ठीक है, चलिए इसको दोबारा एक बार और रिपीट करते हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु का मूल रूप ही क्रिया होती है, क्रिया का निर्माण धातु से, संज्ञा से तथा विशेषण से होता है। क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। वे क्रियाएं जो कर्म रहित हो अकर्मक कहलाती है, वे क्रियाएं जो कर्म सहित हो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके क्वेश्चन आंसर बुकवर्क हम कॉपी में करेंगे, नोटबुक में अपनी। अभी हम इसका बुकवर्क कर लेते हैं। निम्नलिखित धातुओं के सामान्य क्रिया शब्द बनाकर वाक्य बनाइए। तो पढ़ का है पढ़ना, राम पुस्तक पढ़ता है। खा खाना, राधा खाना खाती है। पी पीना, मैं दूध पीता हूँ। सो का सोना, हमें रात को समय पर सोना चाहिए। बैठ बैठना, तुम यहाँ बैठ जाओ। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर रिक्त स्थानों में भेद सहित लिखिए। तो यहाँ है कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो शब्द है शोर करना, क्रिया भेद है इसमें अकर्मक क्रिया। सेकंड है, नदियों का जल दूषित हो चुका है, तो शब्द है दूषित होना, तो इसमें सकर्मक क्रिया। गंगा गोमुख से निकलती है, शब्द निकलती, इसमें आएगा सकर्मक क्रिया। गाय घास चर रही है, चरना, सकर्मक क्रिया। भैंस दूध देती है, देना, सकर्मक क्रिया। फोर क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार क्रियाओं के तीन तीन रूप लिखिए। नाच का नाचना, नाचता, नाचेगा, तो ऐसे ही गा का गाना, गाता, गाएगा। पी का पीना, पीता, पिएगा। हंस का हंसना, हंसता, हंसेगा। धो का धोना, धोता, धोएगा। इसके रचनात्मक कार्य है, ये आप इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। तुम घर, स्कूल तथा बाजार में कौन कौन से मुख्य कार्य करते हो, अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे कार्य उचित शीर्षक के साथ लिखिए। जैसे घर में पढ़ाई कक्ष की सफाई करना, स्कूल में कविता सुनना, बाजार में
सब्जी लिखना। इस तरह से आप अपना जो काम करते हो जहाँ पे वो लिख सकते हो। अब इसका बुक वर्क है, क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के निर्माण में धातु का क्या योगदान है? धातु से क्रिया का निर्माण करने से पहले धातु के बारे में जानना आवश्यक है। थ्री है, क्रिया के रूपों को उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया, मुन्ना सो रहा है, सकर्मक क्रिया, लड़का आम तोड़ रहा है। क्रिया का कर्म किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो इसमें है, इन क्रियाओं के साथ क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म कहलाता है। बच्चों ये क्वेश्चन जो सेकंड है, क्रिया के निर्माण में धातु का क्या योगदान है, तो इसमें मैंने आपको क्लास में इसका क्वेश्चन थोड़ा चेंज करा रखा है, तो जो क्वेश्चन वो चेंज करा रखा है वही सही है, ठीक है, तो वही आप रखना, मैंने क्लास में करा रखा है आपको। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको दोबारा से आपको PDF के माध्यम से दोबारा से इसको रिपीट कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू। एंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्रिया के बारे में, इसके चैप्टर आप अच्छे से समझेंगे और इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क सब कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।